स्वयं। तो पहले हम प्रारंभ में सुने थे भगवत गीता की महिमा, वो भगवत गीता भक्तों ने लिखी हुई महिमा है। महिमा का श्लोक गा सकते कोई? एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देव देव की पुत्र एव, एकम मंत्र सस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य एवस्य। और कौन सा है? गीता गंगो तक गीता सुविधा कर्तव्य कि मन शास्त्र विस्तृत ही यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्चित है। कि भगवत गीता पढ़ अगर कोई पढ़ रहा है तो और कोई शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कोई बोलते हम दास बोध पढ़ते हैं, जरूरत नहीं। कोई बोलते हम ये पुराण पढ़ेंगे, जरूरत नहीं, क्योंकि भगवत गीता पढ़ने से सब पर्याप्त है पूरा। क्योंकि भगवान, अगर कोई कहता है कि नहीं वेद पढ़ता हूँ मैं, कोई कहता है कि नहीं मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ, या फिर वेदांत सूत्र पढ़ना चाहता हूँ, या फिर मैं ये पुराण पढ़ना चाहता हूँ, वो पुराण पढ़ना चाहता हूँ। महाभारत आखिर में लिखा ना भागवत के पहले, भागवत को रिवाइज वर्षन फिर से लिखा, पर इसके पहले महाभारत लिखा गया था, पंचम वेद जिसे कहते हैं। तो महाभारत लिखना, तो फिर आवश्यकता क्या थी फिर भगवान को गीता बोलने की? अगर वेद पर्याप्त है, अगर पुराण पर्याप्त है, तो भगवत गीता बोलने की आवश्यकता कृष्ण को क्या थी फिर? इसका मतलब क्या है? पर्याप्त नहीं है वेद भगवान को जानने के लिए, पर्याप्त नहीं है। इसे भगवान को स्वयं बताना पड़े अपने बारे में, क्योंकि वेद भी अगोचर, वेदों को भी अगोचर है ना। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, जानन्तु एव जानन्तु, बोलिए जानन्तु एव जानन्तु, जानन्तु एव जानन्तु, किं बहुत्यान मे प्रभो, किं बहुत्यान मे प्रभो, मनसा वपुष वाचा वैभवं तव गोचरम। जब ब्रह्मा जी को पहले से अकल थी, पर फिर अच्छी तरह से अकल आ जाती है कि भगवान कृष्ण भगवान है। कृष्ण क्या है? परम पुरुषोत्तम भगवान है। जब वो परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं कि ये बालक है, देखते हैं अभी भगवान तो है बोलने के लिए, ठीक है देखते हैं अभी क्या करेंगे, अगर मैं 2 सेकंड के लिए बालकों को, इन ग्वाल बालकों को चुरा लूंगा तो 2 सेकंड के लिए भगवान क्या करेंगे फिर? क्योंकि 2 सेकंड यहाँ का 2 साल बीत जाएगा, कहाँ का? पृथ्वी का 2 साल बीत जाएगा, तो उनकी माताओं को उत्तर क्या देंगे कि बच्चे किधर गए? तो कृष्ण ने ऐसी लीला की कि स्वयं अपने आप को विस्तार विष्णु के रूप में सब ग्वाल बालक बन गए। और फिर भगवान कृष्ण, भगवान बलराम, ब्रह्मा जी ने देखा, अरे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या मैं भ्रमित हो रहा हूँ कि वहाँ पे तो मैंने छुपा दिया, यहाँ पे फिर से एक एक सेट उधर है, एक सेट इधर, तो पूरा कैमरा था उधर भी, तो देख रहे थे हाँ। पर वो बोले, फिर क्या बोले? जानन्तु एव जानन्तु। कोई कह सकता है कि मैं भगवान को जानता हूँ या मैं भगवान को समझ सकता हूँ? क्या हम भगवान को जानते कि नहीं? हाँ या नहीं? थोड़ा बहुत जानते कि नहीं? कृष्ण पता है आपको? हाँ या नहीं? पता है कृष्ण के, कृष्ण सबसे सबसे प्रिय कृष्ण के लिए कौन है पता है आपको? श्रीमती पता है, इतना तो पता है कि नहीं? क्यों श्रीमती राधा ने पता है? क्योंकि भक्तों में शिरोमणि है। तो हमको थोड़ा बहुत पता है, पर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि कोई अगर कहता है कि भगवान को जानता हूँ, जानन्तु एव जानन्तु, किं बहुक्त्या नमे प्रभो, ऐसे लोग कह सकते, कई लोग कह सकते हैं ऐसे, पर नमे प्रभो, पर मैं आपको नहीं जानता। ब्रह्मा जी कौन है? इस सृष्टि के पहले जीव है, पहले जीव जो वो कह रहे हैं। ब्रह्मा जी सबसे वृद्ध भी है, पर वो हमारे जैसे, हम जैसे वृद्ध होते वैसे नहीं होते, टीवी में गलत दिखाते हैं, वो दाढ़ी बड़ी वाइट दाढ़ी आ गया उनको, और फिर ये ब्रह्मा जी एकदम थक थक के बोल रहे हैं आ आ बेटा, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी एकदम यंग है, दिखने में एकदम यंग दिखते हैं, क्योंकि उनकी आयु बहुत सालों तक रहती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जानन्ते एव जानन्तु, किं बहुक्त्वा नमे प्रभो, मनुष्य वपुष वाचा, मन से कोई अगर अंदाजा भी लगाने का प्रयास करे तो भी नहीं समझ सकता। वाचा से कितना लोग भगवान के बारे में बोल ले, कितनी भी डिस्क्रिप्शन कर ले, पर फिर भी वो भगवान को नहीं समझ सकता। मनुष्य वपुष, और शरीर से वो कितना भी भगवान के सेवा करे, भगवान के लिए कितने तपस्या उठाए, पर फिर भी वो वैभवम तव गोचरम, भगवान कृष्ण का वैभव व्यक्ति जाहिं तव गोचरम, अगोचरम उसके लिए गोचर नहीं है। जैसे कुंती महारानी भी कहते हैं ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर एदमान मद पुमान नैव अर्हतुन विदातुं वै त्वम अकिंचन गोचर अगोचर। कुंती महारानी भी कहती है कि जो व्यक्ति जन्म, जिसको अपने जन्म पर घमंड है, ऐश्वर्य पर घमंड है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत बहुत पढ़ा लिखा है, वो अपने आप को समझता है,
है ना, कभी भी किसी को कोई व्यक्ति पदवी है, किसी को पीएचडी है, तो वो अपने आप को जहाँ पे जाता है वो क्या अपने दर्शाना चाहता है कि वो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, बराबर कि नहीं। देखिए जब एक्सपर्ट कोई फील्ड के होते, चाहे भक्त क्यों ना हो, वो चर्चा जब क्या करेंगे, पहली चर्चा क्या रहेगी उनकी, उनके अपने ही फील्ड की ज़्यादा पहला चर्चा करेंगे, बराबर। ऐसे हम लोग, हमारा फील्ड कौन सा है, हमारा फील्ड कौन सा है, वो तो कुछ लोग बोले डोनेशन फील्ड, इतना भी नहीं है, सीजन की वजह से। हमारा फील्ड क्या है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक फील्ड है ना हमारा। तो हम लोग जहाँ पे जाएंगे क्या चर्चा करेंगे, क्या पूछेंगे हम, ऐसे डॉक्टर किसी पेशेंट को क्या पूछते हैं पहले, मेडिसिन खाए कि नहीं, बराबर कि नहीं। हम लोग क्या पूछेंगे, माला किया कि नहीं। इसलिए कुछ लोग जान पूछ कर मिलते नहीं, पूरा यूटर्न ले लेते, जैसे क्लास हो गया घूम, ऐसे गुल हो जाते हैं, मेरे सामने नहीं आना है, पूछेंगे। तो हर व्यक्ति अपने फील्ड में, अपने इसमें थोड़ा अहंकार होता है कि ये हो, पर ब्रह्मा जी कह, ये कुंती महारानी के जिसको भी अहंकार है, ये तो मानव अध पुमान नहीं वह अभिधातुम त्वम अकिंचन, क्योंकि अकिंचन, अकिंचन भाव से भगवान को प्रार्थना की जाती है, वैसे अकिंचन भाव से वो कभी नहीं कर सकता, इसलिए भगवान को कभी जान नहीं सकता। अकिंचन यानी समझा, किंचित भी अपना नहीं मानता कुछ, किंचित भी मतलब ये मेरा है ये कभी समझता नहीं, मतलब कुछ भी मेरा इस संसार में नहीं, इसे कहते अकिंचन भाव। तो अकिंचन भाव से जो भगवान को प्रार्थना की जाती है या भगवान तभी सुनते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भगवान को जान सकते हैं। पर ब्रह्मा जी कहते क्या, मैं तो भगवान को नहीं जानता, ब्रह्मा जी नहीं जानते तो क्या जैमिनी ऋषि जान सकते फिर, अगर ब्रह्मा जी नहीं जानते तो बाकी सब सप्त ऋषि वो जान सके भगवान को। तो कई पुराण में कई ऋषि कुछ ना कुछ बोल रहे, कितने फिलोसफी दे रहे हैं, क्या वो जान सकते भगवान को, अगर ब्रह्मा जी नहीं जानते तो कोई भी उनको नहीं जान पाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी पहले शिष्य है भगवान के, पहले ही पुत्र भी हैं और शिष्य भी पहले हैं। तो इसलिए भगवान, भगवत गीता कहने का तात्पर्य सही कि अगर गीता के पहले जितने भी शास्त्र बोले हैं वो क्या हो गए फिर, अपने आप में पूरे नहीं है जो भगवान को समझ पाएंगे। इससे स्वयं भगवान क्या बोल रहे हैं अपने बारे में बताना प्रारंभ, कहाँ पे, भगवत गीता में, कहाँ पे, हरि सर्वत्र गीयते आदि मन्ते च मध्य, आदि अन्ते च मध्ये च, सभी शास्त्रों में आदि में मध्य में अंत में हरि ही का गुणगान है, पर वो निकाल पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं। जैसे दूध में से घी निकालना जिसको आता है वो ही निकाल सकता है ना, कोई बालक थोड़ी निकल पाएगा, तो दूध में घी तो है, वैसे शास्त्र में हरि का ही गुणगान है, पर जिसको पता है वो ही कर सकता है कैसे निकालना है, कैसे इसको चर्निंग करना है। उसी प्रकार ये भगवद्गीता शास्त्र में भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं, और ये सुनने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं कि वो व्यक्ति को क्या बनना पड़ेगा, भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि भगवान गीता में, गीता में सार में क्या कह रहे हैं आखिर में, मन मना भव, जब सर्वधर्मान परित्यज कह रहे हैं कि उसके पहले ही भगवान क्या बोल रहे हैं, पहले मेरा भक्त, जो भक्त है वही सभी धर्मों को त्याग कर सकता है, मेरे व्यतिरिक्त और कोई भी किसी भी अभिलाषा नहीं कर, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम, उत्तम भक्ति उसे ही कहते हैं जो ज्ञान से रहित है, जो कर्म से रहित है, अन्य अभिलाषाओं से रहित है, कोई भी और अभिलाषा नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम भगवान को भक्ति भी चाहते हैं, साथ साथ में क्या चाहते हैं, अन्य अभिलाषाएँ वे को भी पालन करते हैं। जैसे कि खेत में कोई व्यक्ति अनाज को उगाना चाहता है, पर साथ साथ में वो क्या कर रहा है, वो कैक्टस को भी उगा रहा है, पता है ना, काटो काटो के झाड़, जो अनवांटेड वीड्स होते हैं खेतों में भी, तो उसको क्या जाता है, हल जब चलाते वक्त उसको निकालने का प्रयास करता है, उसको सब साइड में फेंकने का रहता है, अगर नहीं साइड में फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर सिंचन करेंगे, खत डालेंगे, जो पोषण देंगे वो क्या करेगा, कैक्टस पोषण ले लेगा उसका, बराबर कि नहीं। तो उसी प्रकार भक्ति में हम साधना करते हैं, पर साथ साथ में हम जब भौतिक इच्छाओं को और भौतिक स्वप्नों को हम पालन करते रहे, तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब साधना का जो फल है ना, साधना की जो शक्ति कहाँ पे उपयोग होने लगती है, उसकी भौतिक इंद्रिय तृप्ति में, यानी साधना से व्यक्ति क्या हो जाता है, ऐसे व्यक्ति कोई बहुत साधना कर रहा है तो माइंड क्या होगा उसका, थोड़ा शांत पीसफुल हो जाता है और वह स्मार्ट भी दिखता है, तिलक लगाने से थोड़ा स्मार्ट दिखने लगता है, पहले तो कोई दिखता नहीं था, कुत्ता भी दिखता नहीं था, आज सभी लोग देखते हैं कि नहीं, अब देखो ट्रेन में तिलक लगा के अब जाएंगे सभी लोग ऐसे देखेंगे,
कई धार्मिक लोग आपको ना ऐसे करते करेंगे नहीं, प्रणाम करेंगे। अभी इसको क्या लगता है, ये जो पागल है इसको क्या लगता है कि प्रणाम किसको कर रहे हैं? मुझे कर रहे थे, हम लोग को प्रणाम करते हैं, कई लोग आते हैं दंडवत प्रणाम करते हैं। अगर मन में ठान लिया कि प्रणाम किसको कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम ये इधर होता है इंद्र तृप्ति, कि जैसे ही आपको मन में लगने लगता है ये प्रणाम मुझे कर रहा है, देखो मैं कितना बड़ा हूँ। जैसे हम जब पहले होते हैं, जब नए नए होते तभी हम क्या सोचते हैं, कितने मंदिर कितना सुंदर है, मंदिर के भक्त कितने अच्छे हैं, कितने उन्नत भक्त हैं, मानो ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आ गया, हेवन ऑन अर्थ सच में लगता है, हेवन ऑन अर्थ है, पता है कि नहीं हेवन ऑन अर्थ किसको बोलते हैं, बिल्डिंग का नाम ही होना हेवन ऑन अर्थ, हरे कृष्णा लैंड हेवन ऑन अर्थ बिल्डिंग, सच में लगता है कि स्वर्ग में। जैसे कुछ दिन बीत जाए ना, थोड़ा तो कुछ दिन बीत जाएंगे, तो हमको भी प्रणाम, हमको भी प्रभु जी बोलने लगते, कई लोग फोन पे भी बोलते हैं हाँ मैं अखंड लेदर प्रभु बोल रहा हूँ। एक्चुअली प्रभु जी कौन बोलते हैं, दूसरे बोलते हैं, पर कभी हम अपने आप को प्रभु जी, प्रभु प्रभु कौन है, भगवान एक्चुअली प्रभु है ना। तो इसलिए इंद्र तृप्ति जब व्यक्ति की जो आदत है ना इंद्र तृप्ति करने की, तो व्यक्ति को क्या लगता है ये जो सम्मान है मुझे है, तो वो स्वयं भोग करने का प्रयास करता है, साधना का बल कहाँ पर चला गया उसका भी वो भोग करने में। वही चीज़ जैसे खेत में अनवॉन्टेड वीड इसको पोषण देने की बराबर है, इसलिए अन्य अभिलाषा, इसलिए भक्ति में सर्वप्रथम हमको प्रयास ये करना है कि हमको शुद्ध भक्ति अगर करनी है तो सबसे पहले प्रयास करना है जो अनवांटेड वीड इसको निकालना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकालेंगे ना तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आप जितना भी पोषण दे रहे हैं ना भक्ति की वो कहाँ पे चला जाएगा, पूरा उसमें चला जाएगा, या फिर आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, यानी भक्ति भी रहेगी थोड़ी बहुत और साथ साथ में भौतिक इच्छाओं को भी प्रबल रहेंगी आपकी। हाँ वो जैसे कोई कहता है कि नहीं मैं भगवान के लिए काम करता हूँ, कितने लोग पूछते हैं कर्मयोग के जो सिद्धांत बता देते हैं, हाँ हम भी भगवान के लिए काम करते हैं, क्या भगवान भिखारी है, भगवान को पैसे की जरूरत है क्या, भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, तो भगवान को कभी ये नहीं कह रहे कि मेरे लिए तुम मुझे मुझे कमा कर मुझे पैसा दो, ये नहीं, ये किसके लिए है, हमारे ही शुद्धिकरण के लिए होता है। हम अगर भगवान को शरीर जब भगवान की सेवा में जोड़ते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, जैसे हनुमान जी ने अपना पूरा शरीर क्या किया है, भगवान की राम जी की सेवा में लगा दिया है। शरीर शुद्ध करने के लिए साबुन से पानी से कितने भी रगड़ी है दूसरे दिन फिर से अशुद्ध होने वाला है, बराबर कि नहीं, हाँ कि नहीं, अभी कितना भी नहा ले धो लिए पर नॉनवेज अंडर डाल रहे तो अशुद्ध हो गया कि नहीं, कांदा लहसुन तमोगुण तमोगुण जैसे ही दे आपका शरीर गया पूरा अशुद्ध हो गया। पर जब भगवान की कोई भक्ति करने लगता है सेवा में लगता है पहला क्या करता है तिलक, बराबर कि नहीं, तिलक से कवच इसे कहते नारायण कवच, जो ओम केशवाय नमः माधवाय नारायण, ये जो कवच है भगवान की मंदिर जहाँ पे मंदिर स्थापित हो तो क्या हो गया शरीर, शरीर क्या हो गया फिर, शुद्ध हो गया अशुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, इसका मतलब क्या उस शरीर से आप गलत कार्य नहीं कर सकते फिर, मंदिर में घोटाला होने लग गया तो लोग किस पर, आप हरि अलग अलग शरीर में क्या कर दिया आपने, मंदिर बना दिया, अभी इस शरीर से आपने गलत कार्य कर लिया तो अपमान किसका हो गया, किसका अपमान हो गया, भगवान का अपमान हुआ कि नहीं इसमें, क्योंकि शरीर किसका हो गया, अभी तिलक लगाने के बाद मंदिर का हो गया, मंदिर किसका है, कृष्ण का है, विष्णु का है, तो शरीर क्या हो गया, पहले व्याधि मंदिरम था अभी क्या हो गया विष्णु मंदिरम, क्या हो गया कृष्ण विष्णु मंदिरम, तो भगवान कृष्ण के मंदिर में क्या होना चाहिए फिर, मंदिर में क्या होता है, मंदिर में क्या होता है, भगवान की अर्चना होती है, पूजा होती है, भगवान का प्रसाद, और क्या होता है, भगवान का कीर्तन होता है, भगवान की सेवा होती है, भगवान के बारे में सुना जाता है, तो मतलब इसके शरीर से क्या क्या करना है, हमको भगवान का प्रसाद खाना है बस, अगर और कुछ खा लेंगे तो क्या हो गया, अपराध, तुरंत अपराध लग गया। जैसे ब्राह्मण सारे ब्राह्मण को भी अगर वैष्णव भी नहीं, अगर ब्राह्मण भी थोड़ा, क्योंकि ब्राह्मण के शरीर में सब देवता वास करते हैं, शास्त्र में लिखा है, कोई ब्राह्मण को कोई थप्पड़ लगाया ना इसका मतलब देवताओं को थप्पड़ लगाने के बराबर होता है, मतलब कितना बड़ा अपराध लगता है इसका, ब्राह्मण पान खाने वाले नहीं सच में ब्राह्मण जो है, तो वैसे ही अगर कोई वैष्णव है और तिलक लगाया हुआ है आप ही गलत सोच लिया उसके बारे में तो क्या हो गया, क्या हो गया फिर, अब किसके बारे में सोच लिया गलत, फिर डायरेक्ट विष्णु, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, समर्पण
काले कृष्ण तारे करे निज सम भक्त करे आत्मसमर्पण सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम अथवा निज सम। भगवान कृष्ण उसी दिन से उस व्यक्ति को अपना बना लेते हैं, यानी फैमिली मेंबर बना लेते हैं अपना। क्या बना लेते हैं? इससे तब से गोत्र क्या हो जाता है उसका? अच्युत गोत्र। क्या गोत्र हो जाता है? तो पहले कुछ भी दूसरा कुछ कई गोत्र होते हैं सप्तऋषियों के, वो गोत्र पहले होता है। जैसे भगवान कृष्ण के संप्रदाय में, भगवान कृष्ण के संप्रदाय में कोई दीक्षा लेता है उस दिन से, महापुरुष स्वयं कह रहे, क्या कह रहे हैं? दीक्षा काल से भक्त करें, जिस दिन दीक्षा समय पे जब भक्त आत्मसमर्पण करता है, जिस प्रकार विवाह होता है कि नहीं, विवाह में यज्ञ में समर्पण होता है कि नहीं, होता है कि नहीं समर्पण? किसको साक्षी मानकर देते? अग्नि को साक्षी मानकर समर्पण देते हैं। पति किस पर समर्पित होता है? पत्नी पर समर्पित होते पत्नी। तो उस दिन से इसलिए बोलते कि नहीं, वो पुजारी भी बोलते कि नहीं, आज के बाद आप क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। तो कुछ नियम होते हैं, कुछ शपथ होते हैं, बराबर कि नहीं? हाँ या नहीं? तो उसी प्रकार दीक्षा में भी जब अग्नि को साक्षी मानते हैं तो उसमें कुछ शपथ होते हैं, बराबर? वो शपथ क्या होते हैं? 16 माला का रोज जप करना, ओके, और 4 नियमों का गीता भागवत, ज्यादा ज्यादा नहीं बोले। वहां पे तो विवाह में कितने शपथ होते हैं? कई लोग को याद भी नहीं, लोकर लोकर बोल रहे बाबा, 2.5 होते हैं, यहाँ पे ज्यादा नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मसमर्पण जैसे ही कोई कर लेता है तो वो उस दिन से क्या हो जाता है? देखिए, दीक्षा लेने बड़ी बात नहीं है, फॉर्मेलिटी के किसी को भी दीक्षा दी जा सकती है, पर अगर आत्मसमर्पण की कमी है ना, ऐसे सेम चीज़ है। विवाह में दोनों पति पत्नी का विवाह हो रहा है, पति पत्नी नहीं, लड़का लड़के का विवाह हो रहा है, पर समर्पण किसी भी भावना नहीं है, तो विवाह माना जाएगा क्या? भले लोगों की दृष्टि में क्या हो गया, वो विवाह है, पर आंतरिक दृष्टि में क्या हो गया? विवाह है, प्रेमी नहीं है, तो फिर क्या विवाह हो गया? नहीं ना, वो तो ना के बराबर है। उसी प्रकार दीक्षा में भी समर्पण भावना नहीं है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, तो वो क्या हो गया? दीक्षा ना के बराबर है। तो दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण से ही काले कृष्ण तारे करे निज, भगवान अपने समान उसको मना देते हैं, अपने समान समझ में आया, मतलब जैसे अपने आप को ट्रीट करते ना कृष्ण, वैसे उस भक्त को ट्रीट करने लग देते हैं। जैसे ऊर्जा पूर्ण तिलक हम भी डालते कि नहीं, और भगवान भी डालते, भगवान कृष्ण डालते कि नहीं? डाले कृष्ण डालते कि नहीं, तिलक डालते कि नहीं भगवान? उर्धव पुंडर तिलक भगवान भी रखते हैं और हम भी रखते हैं कि नहीं? अभी कृष्ण को क्या जरूरत है? कृष्ण के विष्णु को पूजेंगे फिर से, सभी विष्णु उनके अधीन है, कृष्ण की पूजेंगे उनको, क्या हुआ? वो किसको पूछते हैं? राधा रानी तो आत्मसमन, चलो भगवान कृष्ण की स्वरूपिणी है, वो भक्तों को पूछते हैं, किसको पूछते हैं? स्वयं कृष्ण भी अपराध नहीं, कभी कभी देखे हम कृष्ण ने कभी कोई भक्त की निंदा की? कई भागवत में कभी देखे कि भगवान कृष्ण ने कोई भक्त को मार दिया? ऐसे कोई भी लीला आप नहीं देखेंगे ना। उल्टा भगवान क्या बोलते हैं? अपिचेद सिदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग्वेव व्यवस्थित सह। कितना भी व्यक्ति दुराचारी क्यों ना हो पर वो मेरे भजन में दृढ़ है, ऐसा व्यक्ति क्या है? मेरे मत से वो क्या है? साधु है। क्या है वो? सुदुराचार हो, बहुत बड़ा दुराचारी क्यों ना हो पर वो मेरे भक्ति में दृढ़ है, तो वो मेरे मत से, कृष्ण क्या बोले? मेरे मत से वो साधु है। और आगे क्या कहते हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेह प्रतिजानीहि नमे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम बहुत ही वेरी सून भवति धर्मात्मा, वो क्या बनने वाला है अभी?
धर्मात्मा बनेगा। अभी भले ही धर्मात्मा नहीं, पर बहुत जैसे किसी को रोगी है, वो ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं इतने इतने दिनों के बाद ठीक हो जाएगा वो, पर अभी क्या है वो रोगी है। पर क्या डॉक्टर उसको तिरस्कार करता है? तिरस्कार करेगा तो तिरस्कार ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो ठीक कैसे होगा फिर? तो डॉक्टर कभी भी तिरस्कार नहीं कर सकते। तो उस रोगी के जब ठीक होने की प्रक्रिया में बाकी रोगी लोग क्या सोच रहे हैं ना कि ये रोगी है, ऑफिस की निंदा करते हैं। उसी प्रकार भगवान क्या कहते हैं, भगवान हमको वार्निंग देना चाहते कि नहीं नहीं नहीं, कोई भक्त कितना भी दुराचारी क्यों ना, पर वो मेरे भक्ति में दृढ़ है ना, तो मेरे मत से वो साधु है, क्योंकि वो फ्यूचर में क्या होगा, तुरंत धर्मात्मा बनने वाला है। क्योंकि कौंतेय प्रदेय कौंतेय, जान लो कृष्ण अर्जुन ये जान लो, नमे भक्त प्रणश्यति, कभी भी मेरे भक्तों का विनाश नहीं हो सकता। तो भगवान तो हर जीव को अपना बनाने के लिए पूरा तैयार है, पूरे तैयारी के साथ उतरते हैं। जैसे भगवद गीता में क्या कह रहे हैं ना, सर्वधर्मान तरिच्य परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में तो आके तो देखो। तो पूरी तरह तैयारी में भगवान आपको स्वीकारने के लिए तैयार। जैसे गौरांग महाप्रभु क्या कर रहे हैं, दोनों हाथ ऐसे बच्चों को ऐसा करते ना जाओ, तो महाप्रभु तैयार है क्या, हम तैयार है क्या, हम तैयार है कि नहीं तैयार है, पक्का पक्का तैयार है। ऐसे कोई व्यक्ति पैसे देने के लिए तैयार रहता है, रेडी एकदम पैसे देने के लिए, आपको जितना मांगो उतना, पर पैसे के बैग लेके आए, ठीक है, ऑनलाइन के उस जमाने में समझो पैसे का बैग लेके पूरा थप्पी का थप्पी नोट है, चलो देने के लिए रेडी है, पर आप जैसे ही मांगने के आपको नहीं दिया, आपने जैसे ही मांगा आपको नहीं दिया। ऐसे हम भी मांगते हैं ना, भगवान भक्ति दो, भगवान भक्ति दो, हाँ भगवान ये करो, भगवान कृपा करो, मिलता नहीं है कभी कभी, कितने बार नहीं मिलता है। तो इसमें दोष किसका है, पैसा देने वाले का दोष है या हमें दोष होगा जो जिसको नहीं मिल रहा है? हमें तो सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जो वो व्यक्ति हमको पैसा देने के लिए वो रेडी है, सबको देने के लिए रेडी है, पर हमको नहीं दे रहा है। तो मतलब कमी किस में, हमें। अब कमी क्या है ना, एक बात तेरी कमी ये है, एक तो अवज्ञा, सर्वप्रथम कमी क्या होती है, अवज्ञा करना, मतलब भगवान के निर्देश की अवज्ञा करना और गुरु के निर्देश को अवज्ञा, ये सबसे मुख्य कारण होता है। जब भी माता पिता प्रॉपर्टी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने किसके लिए रखते हो, किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं, कृष्ण के लिए कोई नहीं, सब लोग बच्चों के लिए, कम से कम अभी यहाँ पे तो बोल दीजिए कृष्ण के लिए है, रियलिटी बच्चों के लिए पता है। तो किसके लिए कमाते हैं आइडियली लोग, बच्चों के लिए कमाते हैं, बराबर कि नहीं? अभी मान लीजिए बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद वो बाप जो है प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, किसको नहीं देना चाहता है, अब प्रॉब्लम किसका रहेगा, कहते ये मेरा करोड़ों का बिजनेस ना हजारों में लेके आएगा, मैंने अपने बाप दादा का हजारों का बिजनेस करोड़ों में लेके आया, ये ऐसा लड़का है कि ये करोड़ों का बिजनेस विश्वास नहीं हो, दामाद को दे देगा, ऐसे लोग होते हैं दामाद को दे देंगे, बेटों को नहीं देता कभी कभी, प्रॉब्लम किस में। उसी प्रकार भगवान सरल व्यक्ति को दे देते हैं सब चीज, सब चीज़। आप देखिए कितने सरल लोग होते हैं, सरलता से कोई भगवान को सरल, आप देखिए कितने, अभी इसमें उदाहरण जैसे मृगारी का उदाहरण था भागवत में, सिर्फ नारद मुनि की एक बात को मान लेते हो, नारद मुनि कहते हैं तुम जो ये प्रोफेशन कर रहे हो ना, जानवरों को आधा मार के छोड़ना ये ठीक नहीं है, उससे अच्छा पूरा मार दो, क्या बोलते हैं? तो मृगारी को लगता है अपनी पार्टी का है, मुर्दे को लगता है कि क्या बोलते हैं, बगल में छुरी और मुंह में राम ना, मुख में राम और बगल में छुरी, उनको लगा नारद मुनि बहुत, उनको ये लगा कि साधु तो समझाते, ये क्या बोल रहे हैं, ये तो हमारे पार्टी का लग रहा है। जैसे कभी कभी लगता है ना, ऐसे कोई गुरु भी कभी कभी पूछते हैं, अब देखिए गुरु महाराज से हम जब मिलते हैं तभी क्या पूछते हैं, आप क्या काम करते हो, आप कहाँ पर रहते हो, कभी ये नहीं पूछते कि आप कितना शास्त्र में आपको ये कॉन्सेप्ट पता है क्या, अचिंत्य वेदा पे तत्व बताओ, सिलेबस के बाहर लग जाएगा आपको, ये नहीं पूछे कृष्ण की कितनी शक्ति है, अंतरंग शक्ति बहिरंग से भेद बताओ, ये पूछते हैं गुरु महाराज, वो क्या पूछते हैं, आप क्या करते हो, कहाँ पर रहते हो। हम कई बार देखे हैं जब भक्तों को पूछते हैं, आपका घर में सबका हेल्थ ठीक है, आपका पैसे कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, आपका हस्बैंड क्या करते हैं या वाइफ क्या करती है, बेटे क्या करते हैं, बस। अभी लोगों को क्या लगता है कि कई लोगों को लगता है अरे
सिंपल चीज पूछ रहे हैं, भौतिक चीज ही पूछ रहे हैं, इसमें अलग क्या, वो ऐसा हो गया जैसे नारद मुनि क्या बोल रहे हैं उनको पूरा, तो इसको क्या लग गया कि ये मेरे ही पार्टी का है। ऐसे एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे, प्रभुपाद जी जब प्रवचन करते करते सब हिप्पी लोग आ गए थे, निर्वस्त्र थे, जय राधा माधव गा रहे थे आग बंद करके, आग खोला तो देखा तो सब लोग निर्वस्त्र सामने बैठे, क्योंकि वो हिप्पी लोग ऐसे ही थे, कपड़े नहीं पहनते थे, एक साथ बैठते थे सब, कुछ फर्क नहीं पड़ता था उनको। तो प्रभुपाद बोले कि बहुत आनंद, बहुत सुख है ना कपड़े नहीं पहनने में, सब लोग बोले यस। तो देखो बोले, अगर ये ऊपर के कपड़े नहीं पहनने से इतना सुख है, अगर ये दूसरे कपड़े भी निकल जाए, ये पंचभूत का शरीर और ये मन बुद्धि अहंकार का शरीर भी, ये स्थूल शरीर, स्थूल कपड़े और सूक्ष्म कपड़े, ये दोनों भी अगर जब निकल जाएंगे तो कितना आनंद आ जाएगा। सब लोग बोले हरि वो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी कहे, कहीं ने पूछा कि हरे कृष्णा क्या एलएसडी जैसा है क्या? एलएसडी मतलब वो ड्रग्स, उस टाइम में ड्रग्स मारिजुआना वो सब हुआ करता था, वो ड्रग्स का नाम है एलएसडी। तो एलएसडी जैसा है क्या हरिनाम, मतलब एलएसडी जैसा नशा आएगा? एक ने पूछा, तो वो क्या बोलते हैं प्रभुपाद बोलते हैं एलएसडी नहीं, इट्स एन ओशन ऑफ एलएसडी। क्या बोलते हैं? एलएसडी का सागर है। स्वामी जी फ्रॉम आर साइड। तो वो हिप्पी लोगों का किंग था, जो 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 मेन लीडर था ना, उसने बोला, उसने पूरा कमेंट दे दिया सभी हिप्पी लोगों को कि देखो हरे कृष्णा मूवमेंट, द गवर्नमेंट इज बैड बट हरे कृष्णा मूवमेंट इज वेरी गुड, स्वामी इज फ्रॉम आर साइड। और फिर स्वामी जी ने, स्वामी जी किसके साइड में? कृष्ण के साइड में। मृगारी को यही बताने के लिए बोले कि देखो पूरा मार दो, ये आधा मारना सब ठीक नहीं, क्योंकि तड़प तड़प के मरते से पूरा एक बार भी खत्म कर दो, सकाम तमाम। तो बोलते आप ऐसे क्यों बोलते हो, आप तो साधु है ना। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि देखिए ये वेशभूषा बहुत मैटर करती है, कि भक्ति मतलब ये वेशभूषा भी होती है। क्यों वेशभूषा है? जैसे कई लोग अभी भी इस्कॉन में आते हैं, रेगुलरली आ रहे, पर पैंट शर्ट पहनते हैं, ठीक नहीं है। आपको वेशभूषा किसकी पहननी चाहिए? जो भक्त की वेशभूषा है। ऐसे कोई हॉस्पिटल में काम करता है कि नहीं, डॉक्टर अपना कोट डालते हैं कि नहीं, जैसे लॉयर अपना कोट, वैसे ही हम जब मंदिर में आते तो वैसे ही वेशभूषा में आना चाहिए। वेशभूषा बहुत मैटर करती है। हम ये वेशभूषा पहन रहे हैं, सैफ्रॉन कपड़ा पहन रहे हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, अगर मन कर लें कि पब में जाऊं, आई एम अ डिस्को, गया पब में, अभी समझो गया पब में, पब में गया और फिर उधर देखा सिक्योरिटी गार्ड पहला रोक देगा, ये कपड़े में अलाउड, इतने ज्यादा कपड़े नहीं पसंद है, आइदर फटे हुए या कम। तो फटे हुए मतलब अभी किधर फटे हुए बोल नहीं सकते, तो फटे हुए होने चाहिए फिर कम, यही इधर पासपोर्ट यही है। और फिर अगर कैसे न कैसे अंदर भी गया, अब गए तो उधर अगर हम नाचने भी लग गए, अभी वो स्टाइल नाचना तो अलग ही है, यहाँ का नाचना अलग है, तो नाचने भी लग गए तो वहाँ के जो पीने वाले लोग आके मुझे रोकेंगे कि बोलेंगे आप क्यों कर रहे हैं, हम तो ठीक हैं, हम तो पापी हैं, आपसे तो ये उम्मीद नहीं। तो वेशभूषा का ये प्रभाव है, आप तिलक लगाएंगे ना, आप झूठ बोलेंगे ना, आपको कंपनी से डांट मिलेगा। तुम तिलक लगाते हो झूठ बोलते हो? देखो तिलक का कितना महिमा है, तिलक लगाने से आप सत्यवादी बन जाते हैं। कितने लोग हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू में तिलक लगाने पोष के जाते हैं, उल्टा तिलक लगा के जाओ तुरंत फेद आ जाता है। मैं देखो खुद देखा हूँ, कई लोगों को सिलेक्ट नहीं किया था, मैं मुझे कई बार सिलेक्ट, मेरा कैलिबर ज्यादा नहीं था। ये तिलक कंटी माला पड़ता हरे कृष्णा है क्या फ्रॉम हरे कृष्णा इसको इसको हाँ इसको समझ गया, ये कभी टांग नहीं देगा। पर इनको पता नहीं हम ही छुट्टी मारने के लिए कितना झूठ बोल देते हैं, क्योंकि यात्रा जाना रहता है। और शेविंग करना तो बड़ी बात नहीं हमारे लिए, कोई मरने मर गया तो शेविंग करना खत्म बात, शेविंग तो हर बार करते हैं हर हफ्ते में। तो ये प्रभाव है, आप वेशभूषा कंटी माला तिलक, ये हमारा अस्त्र शस्त्र है। पहले ग्रॉस स्तर पे भी तो बचना चाहिए व्यक्ति को, स्थूल शरीर सूक्ष्म स्तर पे तो अलग बात है, पहले ग्रॉस स्तर पर, स्थूल स्तर पर व्यक्ति को माया से बचना चाहिए। तिलक कंटी माला और ये पहनने से आप गलत काम चाहे भी तो भीड़ में नहीं कर पाएंगे। आप सिगरेट के पान पट्टी में जाएंगे ना तो बोलेंगे क्या पहला, अरे बाबा हरे कृष्णा भी वाले इधर आते हैं, अरे आई थॉट फोर रेगुलेटर प्रिंसिपल। एक बार ऐसे हुआ, एक बार दो दारू पीने वाले बैठ गए थे और एक ने भक्ति कर रहा था छोड़ दिया, फिर से दारू के अड्डे में चला गया और हरे कृष्णा का बैक टू गॉड मैगजीन लगा सामने,
और पीने वाला बोलता है अरे तुम हरे कृष्ण में जाते थे, तुम क्यों इधर आए? वो प्रीचिंग करने लग गया उसको। बाद में वो मैगजीन देखे, वो दूसरा व्यक्ति भक्त बन गया। तो ये प्रभाव है, आप वेशभूषा, तिलक या हमारा अस्त्र है, माया किसे अगर बचना है, पहला अस्त्र शस्त्र। अब देखिए कमांडोज लोग होते हैं, कमांडोज लोग अपनी वर्दी पहनते कि नहीं? वो लोग क्या कोई कैजुअल ड्रेस में जाते हैं इधर 3/4 में, मतलब बनियन में जाते हैं? हाँ नहीं, अपने कमांडर में। और इधर भी कुछ लगाते, देखा हमने, इधर भी लगाते सब ऐसा कुछ, तो ब्लैक कमांडोज होते हैं। हम भी सोचे आश्रम में ऐसा कुछ करें, क्योंकि हम भी कमांडो ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वो भी जल्दी 3 बजे उठते हैं, हम भी 3:30 बजे उठते हैं। उनको भी सोने देते नहीं, हम इनको भी सोने देते हैं, खुद भी नहीं सोते। गांधी जी बोले खुद जियो दूसरे को जीने दो। हम क्या करते हैं, ना खुद सोते हैं ना दूसरे को सोने देते हैं। तो फिर फोन लगाते जब कर रहे हो कि नहीं, ये कर रहे, परेशान करके रखते हैं। तो ये कमांडो ट्रेनिंग है, पर ये किसके लिए, किसके लिए, किसके हित के लिए? हमारे हित के लिए, काम लेजी ना बन जाए। इसलिए वेशभूषा, इसलिए एक तो गुरु के आदेश में वेशभूषा भी पहले आती कि है। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन जब स्थापना की तो उन्होंने संस्कृति की स्थापना की है, वैष्णव संस्कृति को प्रदान किया है, देश भर में विश्व भर में प्रचार किया। जब क्या नाम उनका, विवेकानंद जी के फॉलोअर जो थे उस समय पे प्रभुपाद जी के पास आए थे कि देखिए स्वामी जी यहाँ पे ना आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी की तरह आप भी वेस्टर्न क्लोथ पहनना शुरू कीजिए और आप भी स्पून से खाइए, फोक से खाइए। प्रभुपाद बोले देखिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पे उनका संस्कृति फॉलो करने के लिए, मैं अपना धोती कुर्ता नहीं त्यागने वाला। तो प्रभुपाद कभी भी कॉम्प्रोमाइज सीखे ना, वेशभूषा में ना अपने रहन सहन में, कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज सीखे। प्रभुपाद ने झुका दिया सभी अंग्रेजों को। प्रभुपाद ने कहा कि देखिए आपने बहुत कुछ लेके गए भारत को लूट कर, एक चीज लूटना भूल गए तुम, वो है भागवत, इसे मैं तुमको देने के लिए आया। श्री प्रभुपाद की तो प्रभुपाद जी क्या देने के लिए आए विश्व भर में, भागवत और भगवद गीता। तो इसलिए अगर हम भगवान के तो नहीं हो सकते इतना जल्दी, भगवान के निज सम बनने बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान के कोई निर्देश को नहीं मानते हैं, पर कम से कम हम क्या हो सकते हैं, प्रभुपाद जी के तो हो सकते कि नहीं, प्रभुपाद जी के व्यक्ति हो सकते कि नहीं, कम से कम प्रभुपाद जी के निजन हो सकते कि नहीं, हाँ या नहीं? हाँ। क्या इतना कठिन बोलते हैं प्रभुपाद जी? क्या बोले, सिंपल चीज बोले, एक अच्छा भक्त बनो, दूसरा मेरे ग्रंथों का वितरण करो, दो ही चीज बोले। इफ यू वॉन्ट टू प्लीज मी बिकम अ डिवोटी, गुड डिवोटी एंड डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, दो चीज बोले। क्या इतना कठिन है क्या भक्त बनना, इतना कठिन हो गया क्या? देखिए शुद्ध भक्ति अलग स्तर है, पर क्या भक्त बनना, वेशभूषा करना या जप करना, क्या इतना कठिन हो गया व्यक्ति के लिए? नहीं, आप थोड़ा प्रामाणिक बनेंगे आप भक्ति संप्रदाय में जुड़ सकते हैं। और दूसरा क्या करना है हमको, जब संप्रदाय से जुड़ने के बाद, जैसे एक बार मिलिट्री में कोई जुड़ता है, हर रोज परेड करता है, उसको अलाउंसेस मिलता है, सैलरी मिलता है, घर वालों को भी अलाउंसेस मिलता है, क्या युद्ध हर बार होता है, युद्ध हर दिन होता है क्या? कभी युद्ध हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर कभी कभी कॉल आएगा तो उसको छुट्टी को भी जाना पड़ेगा, बराबर जाना पड़ेगा कि नहीं? उसी प्रकार मैराथन में क्या, हमारा मैराथन मतलब हमको ऑर्डर है कि युद्ध है, मैराथन में क्या है कि माया से ये विरुद्ध में युद्ध होता है, कि माया अपना प्रचार 12 महीने कर रही है, तो हम अपना कम से कम प्रचार क्या करें, 1 महीना तो करें। इसलिए जो इस संप्रदाय में इसका सर्वप्रथम कर्तव्य होता है प्रभुपाद जी के इस निर्देश को मानना कि भगवत गीता को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो इसलिए भगवान इस दोनों श्लोक में कह रहे हैं कि इस परम गुह्य ज्ञान भक्तों को कोई बताता है उसको क्या मिलेगा, मेरी परमा भक्ति प्राप्त होगी और मेरे पास वो निसंदेह आ सकता है। तो प्रभुपाद जी भी ये कहें कि जो व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, फॉर देम दिस इज लास्ट लाइफ, जो ग्रंथों का वितरण करते हैं प्रभुपाद जी के और इसमें मदद देते हैं, ये लास्ट लाइफ है। क्यों? क्योंकि उसके वजह से कोई एक जीव के पास भगवान का ज्ञान चला जाता है। तव कथामृतम्, तप्त जीवनम्,
स्वयं भगवान कृष्ण के सप्त उत्तम कोटि की जो भक्ति है भक्त हैं वो गोपियां हैं, और रास लीला के उल्लास मंडल में जो गोपी गीत गा रहे हैं और इस गीत में इस पद को जब उच्चारण कर रहे हैं भगवान कृष्ण, उसी समय पे निर्धार करते हैं कि अब प्रकट होना पड़ेगा। जब तक भगवान कृष्ण का सिर्फ गुणगान हो रहा था तभी तक 50-50 था। जैसे ही भगवान के भक्तों का गुणगान किसने किया, गोपियों ने किया, तब कथा अमृतम, जैसे मृत यानी मरना, अमृत यानी नहीं मरना, यानी भगवान कृष्ण की जो कथा सुनता है उसको फिर से मृत्यु नहीं आ सकती, यानी उसका ये जो भौतिक शरीर जो धारण किया है ये उसका लास्ट होगा, अभी फिर से उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने की आवश्यकता नहीं है। तब कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत के समान कार्य करती है, जन्म मृत्यु के चक्कर को रोक देती है सीधा। तब कथा अमृतम, इसलिए विश्वक्सेनु कथा सुय, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की कथा के प्रति किसकी रुचि नहीं होती, समय एव ही केवलम, उसका वेस्ट ऑफ टाइम, भले कितना ही कुछ काम करने दो, बहुत ही प्रामाणिक है वो अपने काम में, बहुत ही प्रामाणिक है, पति प्रति काम प्रामाणिक है, पत्नी प्रति प्रामाणिक है, या बच्चों के प्रति प्रामाणिक है, माता पिताओं के प्रति प्रामाणिक है, समाज के प्रति प्रामाणिक है, देश के प्रति प्रामाणिक है, पर अगर भगवान कृष्ण के प्रति कथा के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न नहीं होती तो क्या हो गया उसका, समय एव ही वेस्ट ऑफ टाइम, आपने टाइम क्या कर लिया, पूरा वेस्ट कर लिया। इसलिए भगवान कृष्ण की कथा जो जन्म मृत्यु चक्कर से हमको बचा सकती है, तप्त जीवनम, और इस संसार के दावाग्नि में फंसे हुए जलने हुए तप्त होते हुए सभी जीव को रिलीफ देने वाली अगर कुछ माध्यम है वो क्या है, भगवान कृष्ण की कथा। भक्ति तो बाद में आएगी ना, पहले कथा तो सुननी पड़ेगी ना, भगवान कृष्ण की कथा। दो कथा होती है, स्वयं भगवान कृष्ण जो बोलते हैं उसको भी बोलते हैं कथन, कथा, भगवान कृष्ण जो गीता में बोल रहे हैं वो क्या है, कृष्ण कथा, और भगवान कृष्ण के बारे में कोई प्रामाणिक भक्त बोलते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, कथा। दोनों कथाएं गीता और श्रीमद् भागवत अथवा चैतन्य चरितामृत, ये दोनों ये ग्रंथों का आस्वादन अगर कोई करता है, इस ग्रंथों को हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो दो चीज होगा, पहला चीज क्या होगा, उनके जन्म मृत्यु चक्कर से वो बच जाएंगे, दूसरा उनको जो दुख झेल रहे ना संसार में वो दुख से वो उभर जाएंगे। ये इसलिए गोपियां क्या कह रही है, वो महावदन, वो सबसे बड़े वदान्य है, सबसे बड़े दानी ऐसे ही लोग हैं, भूवि गृणंती ये भूरि दाजन, इससे बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता जो भगवान कृष्ण की कथा का वितरण सारे संसार में जो करता है वो सबसे बड़ा दानी माना जाएगा, यानी जिसके वजह से वन हु बिकम्स अ कॉज फॉर अदर्स लिबरेशन, कैन वी ही विल गेट लिबरेटेड, क्या लगता है आपको होगा कि नहीं, जो दूसरों के लिए कारण बनता है भगवान कृष्ण की भक्ति देने के लिए, या फिर जन्म मृत्यु चक्कर से बचाने के लिए, या फिर परम सुख देने के लिए, क्या उसको वो चीज नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा कि नहीं, पक्का मिलेगा। इसलिए कृष्ण इस गीता में क्या बोल रहे हैं, इस संसार में नचत अस्मान मनुष्येषु, इस मनुष्य लोक में कश्चित में प्रिय कितना, इतना प्रिय कोई भी नहीं है मेरे लिए, कौन, भविता न चमित अस्मत अन्य प्रिय दुर्वरी, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। श्री प्रभुपाद की तो बहुत ही सिंपल है, इस श्लोकों के माध्यम से मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ कि प्रभुपाद भी यही कहें कि बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, ग्रंथ सार है, ग्रंथ क्या है, आधार है, और प्रचार क्या है, सार है, प्रचार क्या है, सभी ग्रंथों का सार क्या है, भगवान कृष्ण का प्रचार, भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार करना। तो अगर हम ये चीज प्रचार कार्य में जुड़ लेंगे तो हम क्या करेंगे, सभी शास्त्रों के सार को ही पकड़ लिया, और वो जो प्रचार करते वक्त उसको जो अनुभूति मिलेगी वो प्रचार कार्य में जैसा ही जितना ज्यादा जुड़ेगा उतना ही उसको परम आनंद की अनुभूति होती रहेगी। इसलिए आप देखते हैं कई इस्कॉन के सन्यासी इतने बूढ़े होने के बाद भी प्रचार नहीं छोड़ रहे, क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि इसमें जो आनंद है किसमें भी आनंद नहीं है, हर जीव स्वार्थी है ना, सब लोग आनंद चाहते हैं, पर ये कई लोग पूछते हैं ना कि
आप पतले हो रहे प्रभु जी, पतले हो रहे, ये हो रहे। बोले हाँ पतले, अभी क्या करें, टेंशन तो है, स्ट्रेस तो है, मेरा मैराथन का स्ट्रेस है, तो पतले तो बोले ना, स्ट्रेस लेने की क्या आवश्यकता है, स्ट्रेस नहीं लेंगे ना तो माया आपको ऐसा स्ट्रेस दे देगी ना। आप भगवान के बारे में चिंता नहीं करेंगे, भगवान के सेवा के बारे में टेंशन नहीं आएगा ना आपको, तो आपको जरूर भौतिक चीज़ों के बारे में टेंशन आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मन का स्वभाव है टेंशन लेना, मन का ये स्वभाव ही है कि चिंता करना सदैव, या फिर बच्चों की चिंता करनी पड़ेगी, या फिर पत्नी की चिंता, या फिर पति की चिंता, या फिर जॉब की चिंता, अगर नहीं तो फिर किसकी चिंता, कृष्ण की चिंता। कृष्ण की क्या चिंता है कि भक्त नहीं बन रहे बराबर की, क्या भक्त बन रहे हैं क्या, बहुत कम, नहीं के बराबर भक्त है। तो हमको क्या प्रयास करना है इस आंदोलन में, हरे कृष्ण आंदोलन, जिसे क्या कहते हैं हरे कृष्णा, जहाँ पे जाते बोलते हैं हरे कृष्ण वाले, कोई थोड़ी बोलता है प्रभुपाद वाले, कोई बोलता है प्रभुपाद वाले, प्रभुपाद जी ने कभी भी अपना नाम नहीं आगे किया, किसका नाम आगे किया, हरे कृष्णा। आज मंदिर को भी क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा मंदिर, बस स्टॉप पे भी लिखा है हरे कृष्णा मंदिर, कंडक्टर भी बोलता है कहाँ पे जाना है, हरे कृष्णा टेम्पल। देखिए तो हरे कृष्णा का प्रचार, हरे कृष्णा का प्रचार कैसे होगा, गीता पढ़ लेगा ये एज इट इज, ऑटोमेटिकली वो कम से कम 100 बार तो हरे कृष्णा बोल ही देगा पढ़ते पढ़ते, कि प्रभुपाद ने कई पढ़ में हरे कृष्ण मंत्र पूरा दे दिया, कि प्रभुपाद को पता ये शायद से नहीं किया तो हरे कृष्ण मंत्र अभी इसमें पढ़वा देता उससे। तो इसलिए हरे कृष्ण मंत्र, इसलिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमारे सभी जो लड़के लोग हैं, कई माताएं भी हैं, वो लोग भी बहुत प्रयास करते हैं प्रचार कार्य में। तो आपको दो तरह का प्रयास करना है, एक हो शरीर देना, जैसे मैं कह रहा था शरीर भगवान को देने से क्या होगा, शरीर शुद्ध हो जाएगा, मन भगवान को देने से, धन भगवान को देने से, कोई भी चीज़ भगवान को देने से वो शुद्ध होने वाली है। और वो शुद्ध माने शरीर दे दिया, क्या आप आत्महत्या कर लिया क्या, क्या शरीर आपसे छीन लिया जाएगा फिर, क्या शरीर आप भगवान को देने से क्या शरीर छीन जाएगा, नहीं शरीर उल्टा और अट्ठा जाएगा कि नहीं। कई लोग बोलते हैं तुम आज बहुत चमक रहे हो, रे भक्ति में कोई भक्त बनता है ना बोलते आप बहुत चमक रहे हो, चमकते रहेंगे ना, कृष्ण चमकते तो हम भी। तो भगवान कृष्ण को शरीर देने, शरीर शुद्ध होता है, शरीर छीन नहीं जाता है, मन देने से क्या मन छीना जाता है, क्या मन शुद्ध होता है, उसी प्रकार के धन देने से धन छीना जाएगा, कृष्ण और देंगे। इससे कई कर्मी लोग क्या करते हैं, बहुत सारा धन देते तिरुपति में, क्यों देते हैं, इनको पता है पूरा विश्वास है। देखिए कर्मियों को इतना विश्वास है, हम कितनी भी चोरी करें, कितना भी डकैती डालें, कितना भी खून खराबा करें, पर हम साल में एक बार तिरुपति में जाके इतना सोना दे देंगे, इनको पूरा विश्वास है कि ये इतना सोना देते हमको लॉस नहीं होने वाला है। कर्मी लोगों की भी भक्ति देखी कैसे, कितना विश्वास है, और हम भक्त हैं, हमको संदेह आता है कि अरे ज़्यादा समय भगवान को दे दूंगा तो घर में का घर का कौन देखेगा, कि थोड़ा ज़्यादा धन भगवान का तो टेंशन आता है कि नहीं, भगवान को देने से दारिद्र्य नाशनम दाना। श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण। तो सबसे निवेदन है कि यथा प्रयास आप इस मैराथन में मदद करें तन मन धन से। हरे कृष्ण।